हे गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो ये नंबर्स दिए हैं इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 32 और हमें 32 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। 32 का स्क्वायर को हम 30+2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देन अब 30+2 का स्क्वायर मतलब 30+2 टू टाइम्स है। सो 30+2 अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो इस 30 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30+2, देन इस प्लस 2 का पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो प्लस 2 इक्वल्स टू 30+2। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 30 इंटू 30 इक्वल्स टू 900 एंड 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 60 प्लस 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 60 एंड 2 टू 4। नाउ ऐड करते हैं तो ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1024। नाउ पार्ट 2 दैट इज 35। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, 35 का स्क्वायर करना है। 35 का स्क्वायर करेंगे मतलब हम इसको 30+5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स है। सो 30+5 और 30+5। नाउ अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 30 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 30+5 और इस 5 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो प्लस 5 ब्रैकेट 30+5। नाउ 30 इंटू 30 इक्वल्स टू 900 एंड 30 इंटू 5 इक्वल्स टू 150। 5 इंटू 30 इक्वल्स टू 150 एंड 5 5 20। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1225। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 1225। नाउ पार्ट 3 दैट इज 86। तो 86 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। 86 को हम क्या लिख सकते हैं, 80+6 का होल स्क्वायर। नाउ 80+6 को हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, 80+6। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 80 इस 80 का पूरे ब्रैकेट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 80+6 देन इस 6 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 80+6। 18 इंटू 80 हो जाएगा 6400 प्लस 18 इंटू 6 हो जाएगा 480। 6 इंटू 80 हो जाएगा 480 और 6 6 36। आपका आंसर आ जाएगा इन सबको ऐड करने पे 7386। नाउ कमिंग टू पार्ट 4 दैट इज 93। हमें 93 का स्क्वायर करना है। सो 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 90+3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब हमें 90+3 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। देन 90+3। नाउ हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस 90 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 90+3 देन इस प्लस 3 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 3 90+3। सो 90 इंटू 90 आ जाएगा 8100। 90 इंटू 3 इक्वल्स टू 270 प्लस 3 इंटू 90 इक्वल्स टू 270 एंड 3 3 9। और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8649। नाउ पार्ट 5
71, तो हमें 71 का स्क्वायर करना है, तो 71 को हम 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 70 प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम 70 प्लस 1 लिख देते हैं। नाउ इस 70 का इस पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 70 प्लस 1, और इस 1 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन। नाउ 70 इंटू 70 आ जाएगा 4900, 70 इंटू 1 इक्वल्स टू 70, 1 इंटू 70 इक्वल्स टू 70, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, और इन सबको ऐड करने पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5041। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 46, तो हमें 46 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 46 को हम 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर मीन्स हम 40 प्लस 6 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 40 प्लस 6 एंड 40 प्लस 6। नाउ हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इस 40 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 40 प्लस 6, नाउ इस 6 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा, सो प्लस 6, 40 प्लस 6, 40 इंटू 40 हो जाएगा 1600, एंड 40 इंटू 6 हो जाएगा 240, देन 6 इंटू 40 इक्वल्स टू 240, और 6 6 आ जाएगा 36, और इन सबको ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2116।